तो गाइस मंदिर में देख सकते हैं रामायण वगैरह जो पढ़ी जा रही है। काफ़ी बंदे हैं जो मतलब रामायण वगैरह पढ़ चुके हैं यहाँ पर। थोड़ी थोड़ी देर सभी बंदे जो है रामायण पढ़ रहे हैं। तो रात के लगभग 11-12 बज रहे हैं। तो ये रामायण जो है सुबह के 10-11 बजे तक पढ़ी जाएगी। तो देख सकते हैं आप काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। आधे लोग जो मंदिर के नीचे ही बैठे हुए हैं। उसके बाद यहाँ सुबह हवन होगा और फिर लंगर की जो है तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लंगर वगैरह की जो तैयारी चल चुकी है। ये रहे हमारे रसोईया साहब। दालें वगैरह यहाँ पर बनने हैं। अभी जो है यहाँ पर दालें वगैरह जो है बनाई जा रही हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे स्पेशल आइटम है यहाँ पर मदरा बनाया जा रहा है। काफी स्वादिष्ट होने वाला ये। तो ये रहे हमारे रसोईया जी गोरे गोपाल हिमाचल की फेमस। तो यहाँ पर जो है रोंगी रोंगी वगैरह को उबाल लिया है तो इसमें ऐड करेंगे थोड़ी देर बाद। कद्दू वगैरह काट के रख लिया है, इसे जो है खट्टे में इस्तेमाल किया जाएगा। लंगर जो है लगभग 12-1 बजे तक शुरू कर दिया जाएगा। अभी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। सुबह सुबह बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश ने जो है थोड़ा सा काम खराब कर दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, भंडारा तो होगा यहाँ पर। जो है चावल वगैरह बनके तैयार हो चुके हैं, अभी देख सकते हैं। रसोई चेक कर रहा है कि बन गया कि नहीं, देख देख। ये रहा हमारा। तो रसोई के लिए मेरे साथ संपर्क जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दे कि आपको रसोई चाहिए कि नहीं। तो देख सकते हैं ये हमारा रसोई है। तो अभी हवन वगैरह हो रहा है, हवन के बाद यहाँ पर लंगर जो है शुरू कर दिया जाएगा। अभी जो यहाँ पर जो है हवन हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर लंगर जो है चालू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सभी बंदे तैयार हैं लंगर बरताने के लिए, देख सकते हैं। यहाँ पर चंडीगढ़ से बंदे स्पेशल यहाँ पर लंगर बरताने के लिए आए हुए हैं। काफी योगदान है इनका हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रसाद का पूरा आनंद उठाते हुए देख सकते हैं यहाँ तो यहाँ पर सब्जी वगैरह जो दालें वगैरह सभी तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं। खट्टा देख सकते हैं।
चल खटे आ रहा मैं दिया ये लगता है तू तो चले वाला मिलूंगा तू कराइएगा बस छत पर।